बॉलीवुड इंडस्ट्री में सलमान खान के गुस्से से हर कोई वाकिफ है। मजाल है कि भाईजान को किसी चीज के लिए कोई भी ना कह दे। इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार सलमान खान से डरते हैं, उनके गुस्से से डरते हैं। लेकिन फरीद कोट का एक पशु प्रेमी अमनदीप सनी गिल, इन्होंने सलमान खान को केवल ना नहीं कहा बल्कि उनके दिए ब्लैंक चेक को भी ठुकरा दिया। जी हाँ, सलमान खान घोड़ों को कितना पसंद करते हैं ये आप लोगों को पता ही होगा। वहीं पंजाब के फरीदकोट के एक मेले में घोड़ों को देखने सलमान खान पहुंचे थे। वहां पर एक ऐसा घोड़ा था जिसकी कीमत 5 करोड़ तक लगा दी गई थी। घोड़े का नाम देवराज। घोड़े का मालिक घोड़े को मेले में लेकर तो आया, लेकिन उसने इस घोड़े को किसी को बेचा नहीं। वो इस मेले में घोड़े को सिर्फ हिस्सा बनाने के लिए लाया था। बता दें कि सलमान खान खुद ही इस मेले में पहुंचे थे। सलमान ने घोड़े के लिए मुंह मांगी रकम देने की बात कही, लेकिन सलमान के ब्लैंक चेक, सलमान के इस ऑफर को घोड़े के मालिक ने ठुकरा दिया। बता दें कि ये कोई मामूली घोड़ा नहीं, ये घोड़ा देवराज है। इसके 5 बच्चे इंडियन चैंपियनशिप के विजेता रह चुके हैं। और सलमान तो क्या, कई लोगों ने इस घोड़े के मालिक को इसके लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया है, लेकिन मालिक का कहना है कि उन्होंने इस घोड़े को अपने बच्चे की तरह पाला है। जी हाँ, इस घोड़े के लिए करोड़ों के ऑफर को ब्लैंक चेक तक को इसके मालिक अमनदीप सनी गिल ने ठुकरा दिया। ठुकरा दिया खुद भाई जान का भी ऑफर। Final Cut Entertainment Desk.